हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो नाम से लग रहा होगा कि हम इसमें लॉगरिदम का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। हम इसमें किसी फंक्शन को लॉगरिदम के हेल्प से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फंक्शन किस टाइप के होंगे, तो फंक्शन कुछ अलग होते हैं। आज तक जो हमने फंक्शन पढ़ा है उनको तो हमने प्रोडक्ट रोल, कोसेंट रोल, चेन रोल, इन सब की हेल्प से उसको डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन ये फंक्शन कुछ अलग टाइप के होंगे जिनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिदम का हेल्प लेना पड़ेगा। वो फंक्शन होंगे फंक्शन के पावर पे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन है, उसके पावर पर एक फंक्शन है, तो ऐसा जब केस रहेगा तो वहाँ पर लॉगरिदम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले एक था फंक्शन के अंदर फंक्शन था, एक आउटर फंक्शन फिर उसके अंदर इनर फंक्शन, तो वो था इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मेथड था वो, उसको मैंने बता रखा है अपने वीडियो में। उसको देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल ये क्या है, फंक्शन के पावर पर फंक्शन है, तो यहाँ पर लॉगरिदम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलो करके देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे हम, इसको वाई सपोज कर लेंगे। लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो इस साइड लॉग ले तो लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें पता है कि लॉग ए की पावर एक्स क्या होता है, किसी के भी पावर एक्स हो तो ये होता है एक्स लॉग ए, पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स पावर में है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग वाई, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। क्यों, क्योंकि अब ये मैंने अभी चेन रूल का नाम लिया था, चेन रूल में मैंने बताया है इस कॉन्सेप्ट को। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। चेन रूल में क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर वाई एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो क्या करेंगे, आउटर फंक्शन को सबसे पहले हम इनर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आउटर फंक्शन लॉगरिथमिक, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इनर वाई के रिस्पेक्ट में। तो लॉग वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन अपॉन वाई हो जाएगा। फिर इनर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डी वाई अब डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है। कॉस इनवर्स एक्स अलग फंक्शन है, लॉग साइन एक्स अलग फंक्शन है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स, क्योंकि हमें पता है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स आ गया इंटू। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वही चेन रूल वाले मेथड में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। अब ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग साइन एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई इधर डिवाइड में, इसको इधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वाई मल्टीप्लाई में आ गया, ब्रैकेट क्लोज। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, यहाँ पे साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स, तो वाई की जगह पे हम रख देंगे साइन एक्स की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करके लाया हूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो क्वेश्चन बहुत लेंदी, वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा था, तो ऐसे केस में एक एक क्वेश्चन या मैक्सिमम दो क्वेश्चन करा पा रहा था। लेकिन इस वीडियो में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो को मैं सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करके लाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डिफ्रेंशिएट करना है एक्स की पावर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पे देखो फंक्शन के पावर पे फंक्शन है तो हमें लॉग लगाना पड़ेगा, तो पहले हमें सपोर्ट कर लेंगे वाई इजक्वल टू एक्स की पावर एक्स है ये, जेड इजक्वल टू एक्स लॉग एक्स है। तो देखो इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी वाई को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा ये, तो हमें डी वाई ओवर डी जेड निकालना है हमें, ठीक है। अब हम इस फंक्शन में लॉग ले लेंगे दोनों साइड, लॉग वाई इजक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, पावर एक्स पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। अब ये एक्स लॉग एक्स क्या है, यहाँ पे हमने जेड सपोज किया है तो एक्स लॉग एक्स की यहाँ पर जेड रख देंगे। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जब जेड से डिफ्रेंशिएट होगा तो चेन रूल लगेगा यहाँ पे, पहले वाई वन अपॉन वाई आ जाएगा, पहले ये लॉग वाई वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो वन अपॉन वाई आ जाएगा, इंटू वाई को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई ओवर डी जेड इजक्वल टू, जेड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड की पावर क्या होता है, जेड की पावर वन होता है, तो जेड की पावर वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन इंटू जेड की पावर वन माइनस वन, वन इंटू जेड की पावर जीरो, किसी के भी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, वन इंटू वन की वैल्यू वन होगा, तो यहाँ पे वन आएगा इसलिए यहाँ पे वन ले दिया मैंने। अब ये वाई इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो वन इंटू वाई वाई रह जाएगा, डी वाई ओवर डी जेड इजक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या सपोज किया हमने, एक्स की पावर एक्स, तो डी वाई ओवर डी जेड इजक्वल टू एक्स की पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है, आ गया है, तो यहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो हम पर सपोज कर लेंगे वाई इजक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, हो गया, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ लॉग वाई इजक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, अब ये दोनों ये पूरा पावर में है ना इसके, तो ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा अगले स्टेप में, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इजिक्वल टू, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक फंक्शन ये रहा एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन एक्स की पावर एक्स दूसरा फंक्शन लॉग एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में, जो प्रोडक्ट रूल लगेगा वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो एक्स की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ पे भी देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो पहले अब हम या तो इसी स्टेप में चलते रहें तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, या फिर हम डी बाई डी एक्स की पावर एक्स मतलब एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम अलग से सॉल्व करें और उसको लाकर इसमें हम पुट कर दें। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर अभी वन, और इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, सपोज कर लिया जेड की पावर क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड लॉग लॉग ले लेंगे, तो लॉग जेड इजक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, लॉग जेड इजक्वल टू एक्स पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स इजिक्वल टू, देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स की पावर वन है तो एक्स की पावर जब वन रहता है तभी बताया, अभी दिखाया था मैंने जेड की पावर वन का डिफ्रेंशिएशन वन था, तो ऐसे ही एक्स की पावर वन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे वन होगा, जेड यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स इजिक्वल टू, जेड इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन प्लस लॉग एक्स, अब जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर एक्स है, एक्स की पावर एक्स रख देंगे वन प्लस लॉग एक्स, तो ये आ गया डी जेड ओवर डी एक्स, तो अब इसको हम लिख लेंगे पुट दिस इन वन, क्वेश्चन नंबर वन में इसे पुट कर देंगे यहाँ पर। अब डी वाई डी एस एक्स की पावर एक्स के जहाँ पर हमें ये रख देना है, ठीक है, तो रखते हैं वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इजिक्वल टू एक्स की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू, यहाँ पर इसकी जगह पर हमें ये रखना है एक्स की पावर एक्स
वन प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पर देखो एक्स की पावर एक्स यहाँ पे भी है, एक्स की पावर एक्स यहाँ पे भी है, दोनों के पास है, बीच में प्लस है, तो एक्स की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, और ये वाई इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई इधर मल्टीप्लाई में आ गया, एक्स की पावर एक्स दोनों के पास है कॉमन है, ये निकल गया बाहर, यहाँ बचेगा सिर्फ वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ बचेगा लॉग एक्स अंदर ब्रैकेट में वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू यहाँ सपोज किया था ना एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, वो रख देंगे यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, रख दिया वाई की वैल्यू, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये एक्स की पावर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट अंदर रहते ही रहेगा, वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ये आ गया आपका फाइनली डिफरेंशिएशन। ये आ गया फाइनल डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।